अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं। हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम में कुलाधिपति महोदया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनका समस्त भारतीय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति ब्रिगेडियर वीपी सिंह साहब, हमारे सुभारती के जनकों में से एक डॉक्टर आलोक भटनागर जी, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य आचार्यगण एवं विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता और कुछ छात्र इस मांगल्य प्रेक्षागृह में मौजूद हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। मैं उन अनेकों लोगों का, मैं समझता हूं कि हजारों लाखों की संख्या में होंगे जो आज इस ऑनलाइन कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी हमारे कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूं। इस पावन दिवस पर मैं कामना करता हूं कि आप सबका मंगल हो। इससे पहले कि मैं अपनी मुख्य बात को कहूं, मैं थोड़ा अपने बारे में, इतिहास के बारे में, अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। हम जब छोटे थे और हमने कुछ समझ पैदा की तो हमारे घर में दो विचारधाराएं थीं। हमारे बाबा जी प्रोफेसर नंदलाल भटनागर मेरठ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे और वो पूरी तरह से गांधीवादी थे। गांधी विचारधारा उनके रोम रोम में बसी थी। तो गांधीवादी विचारधारा का बड़ा हमारे घर के अंदर प्रभाव था। परंतु मेरे पिताजी डॉक्टर कृष्ण कुमार भटनागर, वो भी एक अध्यापक थे, लेकिन उनकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी थी। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी थे, स्वयंसेवक भी थे। तो दोनों तरह की विचारधाराएं हमारे घर के अंदर व्याप्त थीं। पर हमें किसी विचारधारा के लिए ना तो हमारे बाबा जी ने और ना हमारे पिताजी ने कभी इस बात का दबाव बनाया कि कौन सी विचारधारा सही है और कौन सी विचारधारा सही नहीं है। ये हम पे छोड़ दिया गया कि जब हम बड़े होंगे तो हम खुद समझेंगे। हमारा उस समय अपनी कॉलोनी के अंदर सब बच्चों को जमा करके और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित करना एक हमारा उद्देश्य था। और उस दिन हम लोग सब बच्चों को, बड़ों को जमा करते थे और ध्वज फहराते थे, भारत का ध्वज। और उस समय सामान्य रूप से अन्य गीत और गानों के साथ साथ एक गीत गाया जाता था। और वो गीत कहाँ से आया था? हमारे स्कूल से आया था। जिन स्कूलों में हम पढ़ते थे वहाँ पर हर कार्यक्रम में ये गीत अवश्य गाया जाता था। हम भी गाते थे, बड़ी तन्मयता से गाते थे। और वो गीत था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम बड़े वशीभूत थे कि क्या जादू है कि एक व्यक्ति ने बिना खड़क बिना ढाल उठाए और एक संत ने इस देश को आज़ादी दिला दी। यही भाव हमारे दिल में हमारी युवा अवस्था तक रहे। युवा अवस्था में जब सुभारती बाल संस्था, सुभारती युवा उत्थान समिति और सुभारती सेवा संस्था के रूप में परिणित हुई और हमको मौका मिला कि हम स्वयं स्वतः अध्ययन करें, इतिहास को जानें, अपने देश के बारे में जानें, तब हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ इस देश ने और हमारे देश के नेताओं ने बहुत बड़ा धोखा किया है। और हमारे साथ का मतलब है पूरी देश की जनता के साथ। हमें गुमराह किया गया।
और उस गुमराह करने का नतीजा ये हुआ कि जो आज भारत की स्थिति है, अगर मैं कहूं कि उसका कारण वो धोखा था, वो फ्रॉड था जो इस देश की जनता के साथ किया गया, हमारे उस समय की सरकारों ने, हमारे इतिहासकारों ने हमको ये बता के कि हमको बैठे बिठाए एक गिफ्ट की तरह आज़ादी मिल गई, जिससे कि हमने अपनी आज़ादी की कीमत नहीं जानी। आज चाहे आप भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, चाहे जगह जगह जो अराजकता फैल रही है उसकी बात कर लीजिए, चाहे देशद्रोही जो गतिविधियां हो रही हैं उनकी बात कर लीजिए, जो माँ बहनों का सम्मान नहीं हो रहा उसकी बात कर लीजिए, उस सब की जड़ में यह है कि हमने अपनी आज़ादी की कीमत को नहीं जाना। हमें लगा कि कोई चीज़ गिफ्ट में मिल गई, और जो जो फ्री में जो कोई चीज़ मिल जाती है, गिफ्ट में कोई चीज़ मिल जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जबकि सच्चाई यह है कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी देकर इस देश ने आज़ादी प्राप्त की। तो मैं आपके संज्ञान में वो तथ्य लाना चाहता हूँ जो मैंने स्वयं स्वतः पढ़कर रिसर्च करके, जबकि मेरा ये मेरा इंटरेस्ट था, बावजूद इसके कि डॉक्टरी की पढ़ाई में बहुत कम समय मिलता था, लेकिन फिर भी ये मेरी रुचि थी कि मैं इस देश के इतिहास के बारे में जानूं, तो मैं आपको कुछ चंद बातों से रूबरू कराना चाहता हूँ, जिससे आपको भी सच्चाई पता चले। और मैं जो आज ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए, हो सकता है कि कुछ विद्यालयों के प्राचार्य हों, कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति हों, या समाज में विशेष स्थान रखने वाले कुछ हमारे जनप्रतिनिधि हों, अगर वो इस ऑनलाइन कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जो अगर चाहें तो अपने अनुयायियों को, अपने बच्चों को, जो उनको बात मानते हैं उनकी, उन तक पहुंचा सकते हैं। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, मैं आरंभ करूँगा 1939 से। 1938 में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद 1939 में गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभि सीतारमैया को हराकर दोबारा वो अध्यक्ष चुने गए। और उस समय की कांग्रेस की और गांधी जी की जो डेमोक्रेसी के प्रति, जन भावनाओं के प्रति जो उनका समर्पण था, उसको मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि अध्यक्ष का चुनाव तो कांग्रेस के सदस्य करते थे, लेकिन कार्यकारिणी का जो चुनाव होता था वो गांधी जी की स्वीकृति से होता था। ये थी डेमोक्रेसी। तो जब गांधी जी के द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट को बुरी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो गांधी जी के आशीर्वाद से कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी थी वो तो उनका सहयोग नहीं करती। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कॉपरेट करने से मना कर दिया, कांग्रेस से भी निकाल दिया गया नेताजी को। एक चुने हुए प्रतिनिधि को, जिसको कि उस समय के आज़ादी के मूवमेंट को चलाने वाली अग्रणी कांग्रेस के द्वारा चुना गया था, सर बहुमत से चुना गया था, एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुना गया था, उनको उस पद से हटा दिया गया। नेताजी ने स्वतः ही छोड़ दिया फिर अध्यक्ष का पद। तो 1940 में नेताजी को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। खैर, ये बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि उस महान व्यक्तित्व के उसको कौन रोक पाया? अंग्रेज भी नहीं रोक पाए। और वो अंग्रेजों के कैद से निकलकर और विभिन्न परेशानियों को झेलते हुए अफगानिस्तान के रास्ते से नवंबर 1941 में जर्मनी पहुंच गए, भारत को आज़ाद कराने के लिए। और योजना ये थी कि एक वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाएगा,
और उस आजाद हिंद फौज के गठन के साथ अफगानिस्तान के रास्ते से भारत के ऊपर आक्रमण करके अंग्रेजों को भगाया जाएगा और देश को आजाद कराया जाएगा। इसी उद्देश्य से नवंबर 1941 में नेताजी ने वहां पर जर्मनी में द इंडियन लीजियन नाम से एक संस्था का स्थापना की। इसमें वहां के मुख्य रूप से वहां के छात्र थे और उन छात्रों में एक नाम जो आप सबको याद होना चाहिए और होगा भी, आबिद हसन साहब का नाम था। लगभग 3,000 लोग उस इंडियन लीजन में जुड़े। छात्रों के और वहाँ के इन भारतीय लोगों के जुड़ने के साथ साथ जो नॉर्थ अमेरिका में अंग्रेजों को परास्त करके और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए गए थे, ऐसे अनेकों भारतीय फौज के लोग उस इंडियन लीजन में शामिल हुए। वहीं नेताजी ने द फ्री इंडिया रेडियो की भी स्थापना की और उस से लगातार जोश देने वाले, लोगों में उत्साह भरने वाले, ऊर्जा भरने वाले ऐसे उनके वक्तव्य जारी होते रहे। इधर जब हम आज़ादी के आंदोलन की बात करते हैं तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, 1942 में आते हैं। 1942 में क्या क्या हुआ? 1942 में साउथ में कुछ और हो रहा था। जापान में कुछ और हो रहा था। एक नाम जो बहुत कम लोगों को पता है, राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस साहब ने एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जो जापान में थे। जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर जर्मनी पहुंचे थे, उससे अनेकों वर्ष पहले राज बिहारी बोस भी अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर और जापान पहुंच गए थे। वहां उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और उसके बाद एक सरदार ज्ञानी प्रीतम सिंह हुआ करते थे, उनकी बाद में एयर क्रैश में डेथ हो गई। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाए और जापान के मेजर फ्यूजीवारा के साथ मिलकर उन्होंने मलाया में और बर्मा में जो अंग्रेज़ों की फ़ौज हार गई थी और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर ले लिए गए थे, उनमें जाके उन्होंने काम शुरू किया, लोगों में देश के प्रति भावना जागृत करने का काम किया और एक 40,000 लोगों के साथ एक इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। और उस इंडियन नेशनल आर्मी को हेड करते थे कैप्टन मोहन सिंह, जो बाद में जनरल मोहन सिंह हो गए। इस तरीके से जापान में, जापान के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी, राज बिहारी बोस साहब, फ्यूजीवारा और जनरल मोहन सिंह, यानी प्रीतम सिंह, इन सब लोगों के प्रयास से वहां पर स्थापित हुई। अगर हम हिंदुस्तान में आ जाते हैं तो हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 8 अगस्त को 1942 में जैसे ही उन्होंने ये नारा दिया, कुछ ही हफ्तों के अंदर जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे उन सबको अंग्रेजों ने पकड़ के बंद कर दिया, हवालात में डाल दिया। और कुछ ही हफ्तों में ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, ये समाप्त हो गया, टाइम टाइम फिस हो गया। अब इतिहासकार इसको कुछ भी गाते रहे लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, इसका कोई असर नहीं हुआ और बहुत से ग्रुप्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक आंदोलन जो कथित अहिंसात्मक आंदोलन था, उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं। एक तो जानकारी है कि टाइम टाइम फिस हो गया, इसका कोई असर नहीं हुआ, और दूसरी बात है कि यहाँ अहिंसा नाम की चीज़ खत्म हो गई। यहाँ अंततः गांधी जी को भी नारा देना पड़ा कि करो या मरो। अब अगर पूछे कि अहिंसा के पुजारी से करो या मरो का अर्थ क्या होता है, क्या करो, मरो तो भी हिंसा है और करो तो भी हिंसा है, तो जो एक
हम लोगों ने एक लेबल लगा दिया कि अहिंसा मतलब गांधी जी, ये वहीं स्वतः ही समाप्त हो जाता है। खैर, लेकिन जापान में बहुत कुछ चल रहा था। जापान में मोहन सिंह जी को और फ्यूजीवाड़ा को लेकर आपस में विवाद हो गया और नवंबर दिसंबर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया। मोहन सिंह ने उसको डिसॉल्व कर दिया। लेकिन राज बिहारी बोस साहब ने उसको मरने नहीं दिया, उसको जीवित रखा। और फरवरी 1943 में उसमें पुनः जान डालते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कियानी साहब के नेतृत्व में दोबारा से आईएनए को खड़ा कर दिया गया। अब हम चलते हैं फिर पुनः जर्मनी की तरफ। जर्मनी को, हिटलर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि रशिया न्यूट्रल है, रशिया से पंगा मत लेना, रशिया पर अटैक मत करना। लेकिन उसके बावजूद भी हिटलर तो हिटलर थे, उनके सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राय की क्या मीनिंग थे, और ख़ास तौर से जब वो जर्मनी से संबंधित हो। और उन्होंने रशिया पर अटैक कर दिया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस बात को स्पष्ट हो गया था कि जो उनकी योजना थी कि रशिया और अफगानिस्तान के माध्यम से वो हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना अभियान चालू करेंगे, वो संभव नहीं है। और इसी तरह जो जापान में घटनाक्रम चल रहा था, वहां भी उनको स्पष्ट हो गया कि अगर हमें इंडियन नेशनल आर्मी को जीवित रखना है और इसको एक इफेक्टिव फोर्स बनाना है तो हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ज़रूरत है। तो एक योजनाबद्ध तरीके से फरवरी 1943 में जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पनडुब्बी के माध्यम से लाया गया। वो पहले सुमात्रा उतरे, जापान गए, जापान में वहाँ पर उन्होंने सब बातचीत की और उसके बाद जुलाई 1943 को उन्होंने आकर आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभाल ली। और उसके साथ साथ राज बिहारी बोस साहब ने इंडियन नेशनल, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को भी उनके अंडर कर दिया। तो एक तरफ जहां पर हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों को भगाने के लिए, वो बिल्कुल समाप्त हो गया, उसका कोई भी असर नहीं रहा, जीरो हो गया। तो दूसरी तरफ एक जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन था वो इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में दो जगह चल रहा था, उधर जर्मनी की साइड में भी चल रहा था तो इधर जापान की साइड में भी चल रहा था। तो यहाँ से इस सिंगापुर, बर्मा, यहाँ सब हमारी इंडियन नेशनल आर्मी एक्टिव थी और उसका नेतृत्व कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गठन किया और हिंदुस्तान को आज़ाद घोषित किया। इसके बारे में कुछ और तथ्य मैं भी आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मैं उसके पहले ही देना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा भारत की भूमि पर जो सबसे पहला झंडा फहराया गया, भारत का झंडा, वो 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में फहराया गया। लेकिन वो जो ज़मीन थी वो जापानियों ने अंग्रेज़ों से जीती थी और हमको गिफ्ट में दी थी। तो आप इस बात को महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो भारत की भूमि पर खुद आजाद हिंद फौज के द्वारा जीती गई जमीन पर झंडा फहराया गया भारत का, वो भारत के वीर बहादुर ब्रिगेड के कमांडर जनरल शौकत अली साहब ने 14 अप्रैल 1944 को मोरांग में फहराया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है
कि भारत की सेना के द्वारा जीती गई भारत की जमीन पर जो पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया वो 14 अप्रैल 1944 को ब्रिगेडियर शौकत अली साहब के द्वारा फहराया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जबकि कांग्रेस के द्वारा इस पूरे INA मूवमेंट को दबा कर रखा गया कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, हमारी जनता में जागरूकता ना पैदा हो जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी थी, उनका ये सोचना था कि जैसे ही इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों के बारे में पता चलेगा हमारे भारत की जनता को, हमारी भारत की जनता में ऊर्जा है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है, और वो जागृत होगी जब उनको पता चलेगा कि उनके भाई बहन किस तरीके से अपने सेक्रीफाइस दे रहे हैं। महिला बच्चे सब उस फौज के अंदर शामिल थे, लेकिन उस समय की कांग्रेस ने इस बात को दबा के रखा, इस बात को प्रचारित नहीं होने दिया। और आप उसका उल्टा देखिए, नेताजी ने जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया उसमें उनकी ब्रिगेड्स के क्या नाम थे, महात्मा गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड। सी द डिफरेंस इन द अप्रोच। ये है नेशनलिज्म के जहां विरोध कोई नहीं है। हमारी विचारधारा कुछ हो सकती है, आपकी विचारधारा कुछ हो सकती है, लेकिन जब तक प्रश्न है देश का तो हम सब एक हैं। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अप्रोच थी, और एक अप्रोच थी हमारे गांधीवादी लोगों की कि आजादी अगर कभी मिले तो उसका क्रेडिट सिर्फ उन्हीं को मिले और किसी को ना मिले, और मिले चाहे ना मिले आजादी, लेकिन अगर कभी मिले तो दूसरे का कोई उसमें रोल नहीं दिखाई देना चाहिए। खैर, तो इस तरीके से हमारा INA का अभियान आगे चला। दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति बनी कि उधर जर्मनी हार गया, उधर जापान ने सरेंडर किया, और उन हालात को महसूस करते हुए अगस्त 1945 में INA को समर्पण करना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त को मंचूरिया के लिए हवाई जहाज से निकले। कहा जाता है कि ताइपेह में उनका विमान क्रैश हो गया और उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। उनका क्रिमेशन 20 अगस्त को हो गया, और 20 अगस्त के बाद उनके जो अस्थियां हैं, अवशेष हैं, वो रेंकोजी टेम्पल में जापान में आज भी रखे हैं। आजादी की जो असली बात है वो मैं अब आपको बताता हूं, जिससे आपको महसूस होगा कि गणित है, हमारी आजादी कैसे मिली, ये एक गणित की इक्वेशन की समय समझिए आप। अगस्त 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी को समर्पण किया करना पड़ा, उन्होंने समर्पण किया, और अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों को तब भी ध्यान था कि हिंदुस्तान की जनता तो मृत प्राय है, इनको डंडा दिखाओ तो डरती है ये, तो उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो सिपाही हैं इनको जब हम पब्लिकली इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, कोर्ट मार्शल करेंगे, तो भारत की पूरी जनता डर जाएगी। लाल किले में इनका ट्रायल शुरू किया गया, और सबसे पहले 3 जनों को चुना गया, जिसमें एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान, सैगल, ढिल्लो, शाहनवाज। आप हमने पढ़ा कि उन दिनों गली गली घर घर से ये आवाज उठ गई थी, गली गली से आई आवाज, सैगल, ढिल्लो, शाहनवाज। तो जो अंग्रेजों की सोच थी कि जब हम उनका ट्रायल करेंगे तो और हमारी जनता डर जाएगी, दब जाएगी, उसका उल्टा हुआ। और उल्टा ये हुआ कि हमारी जनता में तब तक इतनी जागरूकता आ चुकी थी, और उन्होंने जब महसूस किया कि हमारे साथियों ने कितनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दी है, तो पूरी जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया, और घर घर से आई आवाज़ सैगल, ढिल्लो, शाहनवाज। इसके मतलब कि पूरे देश के अंदर एक जागृति पैदा हो गई। तीनों लोगों को कोर्ट मार्शल करके और ताउम्र के लिए भारत से बहिष्कृत कर दिया गया। उसका नतीजा क्या हुआ, फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने रिवोल्ट कर दिया,
बहाना था कि अच्छा खाना नहीं है, लेकिन इसके पीछे भावना ये थी कि मन में आक्रोश था कि हमारे साथी, हमारे फौजी जो कल तक हमारे साथ थे, जो देश के लिए कुर्बान हुए, देश के लिए लड़े, असंख्य लोग मारे गए, ये अंग्रेज उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये भावना थी। रॉयल इंडियन नेवी ने फरवरी 1946 के अंदर रिवोल्ट कर दिया और वो रिवोल्ट बंबई से शुरू हुआ, कराची से लेके कलकत्ता तक पहुंचा, विशाखापट्टनम तक पहुंचा। और यही नहीं, आली आर्मी ने किया, उनके साथ रॉयल एयरफोर्स के लोग जुड़ गए, आम जनता जुड़ गई, और उसके बाद जो गैरिसन था, जो हमारी आर्मी थी, जबलपुर में, मद्रास में, पुणे में, जगह 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 रिवोल्ट शुरू हो गए। अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि जिनके बूते पर तुम हिंदुस्तान के लोगों को रगड़ रहे हो, उनको गुलाम बना के रखा है, वो कौन है? वो है भारत की फौज। वो भारत की जनता तो जागृत हो गई थी, लेकिन फौज जब तक अंग्रेजों के काबू में थी वो निश्चिंत थे। अब उनको महसूस हो गया था कि अब वो इस फौज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तो हबड़ दबड़ में जब देखा कि भाई कुछ नहीं, तो एटली साहब ने घोषणा की कि नहीं, हमने तो पहले ही कहा था कि वर्ल्ड वार के, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम आज़ाद कर देंगे। कोई प्लान नहीं था अंग्रेज़ों का, किसी भी तरीके के दबाव में नहीं थे अंग्रेज, एक गांधीवादी मूवमेंट से कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं था, बल्कि उस समय तो हिंदुस्तान की उनको ज़रूरत थी। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी और भारत वो जगह थी जहाँ पर, जहाँ से वो पैसा निकालते थे, वो क्यों जाते छोड़कर? लेकिन उनको जाने के लिए मजबूर किसने किया? INA के ट्रायल ने, INA की कहानियों ने। जब हमारी जनता को पता चला कि INA के लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, और जो उनमें जागृति पैदा हुई, ये कारण था जिसकी वजह से अंग्रेजों में दहशत पैदा हुई। और हबड़ दबड़ में फरवरी 1947 में एटली साहब ने घोषणा की कि हम जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। अब आप उसके आगे भी देखिए, ये शांति यहाँ नहीं हुई। जब जून 1948 में आज़ाद करने की बात थी, तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि जो 1947 में हबड़ दबड़ करके भाग गए? ये सब दहशत थी जो INA के ट्रायल की वजह से, जो INA के कुर्बानियों की वजह से, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्ट्रेटेजी की वजह से क्रिएट हुई थी, एज ए रिजल्ट ऑफ कि हमारी देश की जनता में और हमारे आर्मी में, हमारी फौजों में ये महसूस किया कि हमारे साथियों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और हम कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूँ, कई बार कहा जाता है मैं गांधी जी का विरोधी हूँ, मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, पर भाई उसको कितना, किसी भी व्यक्ति को उतना क्रेडिट दो ना जितनी उसको मिलना चाहिए। इस देश के अंदर उन्होंने जागृति पैदा करी, लोगों में उन्होंने जन जन तक आज़ादी की ललक को जगाया, मैं हम क्रेडिट देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, बिल्कुल क्रेडिट देते हैं। लेकिन हम ये कहने लगे कि आज़ादी उनकी वजह से मिल गई, अरे ये असंख्य लोग मर गए, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। और ये कहानी यहीं की नहीं है, INA के माध्यम से, 21 अक्टूबर के माध्यम से, तो केवल हम, ऐसा नहीं है कि केवल हम उन INA के वीरों के लिए हमको नमन करते हैं जिन्होंने कि देश के लिए कुर्बानी दी, हम उन तमाम लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे उसके पहले के भी क्रांतिकारी हों। तो मैं ये आपको साबित करना चाहता था कि एक गणित की इक्वेशन की तरह साबित करता है, जो हमने बाद में पढ़ा कि हमें आज़ादी असंख्य वीरों की कुर्बानियों से मिली है, ऐसी फ्री में आज़ादी नहीं मिली। हम अपना स्वतंत्रता दिवस 21 अक्टूबर को मनाते हैं। आप कोई कन्फ्यूजन वाली बात मत रखिएगा कि जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो हम ये खंडित भारत में विश्वास नहीं रखते हैं। हम सुभारती की विचारधारा खंडित भारत में विश्वास नहीं रखती है। जब हम बात करते हैं तो हम अखंड भारत की बात करते हैं। सुभारती विचारधारा अखंड भारत को रिकॉग्नाइज करती है, इसीलिए 21 अक्टूबर को अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में इस दिन
सिंगापुर में अखंड भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में, तो आपको स्क्रीन पर सारा दिखाई देगा। यह दिन हमारे गौरव और उल्लास का दिन है तथा इसे मनाकर हम न केवल अपने उन सेनानियों की याद ताज़ा करते हैं जिन्होंने इस देश पर अपने प्राणों की आहुति दी एवं हमें दास्ता से मुक्त कराया, वरन पुनः अखंड भारत को पाने की कल्पना करते हैं एवं एक दिव्य स्वप्न को साकार होने की चाहत प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं है कि केवल आज के दिन हम एक सांकेतिक रूप में मना के चुप हैं, हमारे दिल के अंदर लालसा है, एक सोच है। ठीक है भारत खंडित हो गया, लेकिन बहुत से जर्मनी भी खंडित हो गया था, वियतनाम भी इतिहास उठा के देखिए खंडित हो गया था। जब वो पुनः जुड़ सकते हैं तो भारत भी अखंड पुनः क्यों नहीं हो सकता। हमारे और आपकी सोच की आवश्यकता है। इसके साथ हम एक नई अवधारणा भी दे रहे हैं। हम खाली जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम केवल अखंड भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने साथ जोड़ने की बात नहीं करते, हम एक नया कॉन्सेप्ट भी फ्लोट करते हैं। हम कहते हैं कि यहां तक ही सीमित मत रहो, हम USSA की कल्पना करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया, जिसमें भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तो मुख्य रूप से भाग लेंगे, प्रश्न यह भी हो कि इसमें नेपाल भूटान मालदीव श्रीलंका इत्यादि देश भी सम्मिलित हो जाएं। यदि ऐसा हो सका तो इस संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होगा ये चीन, अमेरिका में हमारे सामने कहीं टिकने वाले नहीं है। और घर बैठे बस नारों में गाते रहिए कि हम विश्व गुरु हैं, बस नारों में गाते रहिए कि हम जो हैं फलाने साल में और सबसे बड़े शक्तिशाली देश बन जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि जो हम कह रहे हैं वो हमारे प्रबल इच्छा होनी चाहिए। ठीक है हम अपने जीवन में इसको नहीं अचीव कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, आगे हमारी आगे आने वाली जनरेशन अचीव करेंगे, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन कम से कम सोच तो होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ना तो आपस में कोई विवाद होगा और ना ही किसी एटमी युद्ध का डर होगा। जो व्यय आज ये देश युद्ध सामग्री एकत्र करने में कर रहे हैं उसमें से अधिकांश धन जनता के विकास के लिए प्रयोग में आएगा। आइए उपरोक्त परिकल्पना के साथ अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं एवं सबके लिए प्रेम करुणा मैत्री का संदेश देते हुए कुछ ज्ञान वर्धन भी साथ में और करते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को जब हमारा अखंड भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए आवश्यक सभी दशाएं पूरी करता था। आजाद हिंद की अपनी भूमि थी, अंडमान और निकोबार द्वीप जिसको नेताजी ने शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दिया था वो जापानियों ने हमें भेंट किए, और आज़ाद हिंद की अस्थाई राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी। आज़ाद हिंद का एक संविधान था, समान नागरिकता जिसका एक अभिन्न हिस्सा था। आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के मुखिया प्रधानमंत्री तथा युद्ध मंत्री थे, और विभिन्न आप इस पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विभिन्न लोग जो थे वो विभिन्न पद धारण किए हुए थे। सभी लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व था, नॉर्थ के साउथ के रिलीजन वाइज सब लोग इस आज़ाद हिंद फौज के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। आज़ाद हिंद का एक अपना शोल्डर का बैज था जो आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज़ाद हिंद का एक अपना बैंक था, उसकी करेंसी थी। ये करेंसी की आप देख रहे हैं 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 10000 रुपये के नोट थे। अपना पोस्टेज स्टैम्प था, और ये विचारधारा आप ये देखिए जो सुभाषतारी की है कि शिक्षा सेवा और संस्कार, संस्कार के रूप में आप देखेंगे चरखा काटते हुए महिला आपको दिखेगी एक स्टैम्प में। उन्होंने गांधी जी के मूवमेंट को कभी गलत नहीं कहा नेताजी ने, बल्कि उनके चरखे को उन्होंने अपने पोस्टेज स्टैम्प में लिया। किसने कहा था, किसने दबाव बनाया था उन पर, लेकिन उनकी अपनी इच्छा थी। सेवा करते हुए एक नर्स आपको दिखाई देगी जो सुभारती का उद्देश्य सेवा करना,
और राष्ट्रीयता की भावना आपको दिखाई देगी कि किस तरीके से हर आदमी को देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। बंदूक उठाना गलत काम के लिए नहीं, लेकिन सही काम के लिए। अनेकों देशों में आप देखिए परंपरा है, शिक्षा के बाद एक साल की दो साल की फौज में जाने की ट्रेनिंग होती है। हमारे देश में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज ये हमारा अखंड भारत नहीं है। शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, उसे वो परिकल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तब की थी। आप पोस्टेज इस टाइम में उसको देख सकते हैं, एक किसान भी आपको दिखेगा, जवान भी आपको दिखेगा। ये उस आदमी की दूरदर्शिता थी जो हमारे नेताओं ने समय समय पर प्राप्त की। उस व्यक्ति में सब कुछ एक साथ ही अंतर्निहित था, उसकी सोच के अंदर सब कुछ मौजूद था। हमारा अपना आजाद हिंद का एक न्यायालय था, अपना आजाद हिंद रेडियो था, और जो देश को किसी भी देश के लिए आवश्यक होते हैं हमको मान्यता दी जर्मनी ने, जापान ने, फिलीपींस ने, कोरिया ने, चाइना ने, इटली ने, मंचुकों ने जो मंचूरिया भी बोलते हैं, आयरलैंड ने, बर्मा ने। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो एक आज़ाद देश के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब उसमें मौजूद थी। अब हम एक थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बताना चाहते हैं। हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस 21 अक्टूबर और दूसरा 15 अगस्त 1947। हम हर साल दो, क्योंकि 15 अगस्त 1947 हमारा स्वतंत्रता दिवस ऑफिशियल स्वतंत्रता दिवस है, तो उसको तो हमें मनाना ही है। तो शुभारती हर साल दो स्वतंत्रता दिवस मनाती है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस अखंड भारत का बनाती है और 15 अगस्त का खंडित भारत का मनाती है। अंतर केवल इतना है, दोनों स्वतंत्रता दिवस हैं। 21 अक्टूबर का जो स्वतंत्रता दिवस है वो अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस है, और 15 अगस्त का जो दिवस है वो खंडित भारत का स्वतंत्रता दिवस है। अब थोड़ा सा इसमें मैं डिफरेंस भी आपको बताना चाहता हूँ। प्रथम स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास का दिवस है, जबकि दूसरा स्वतंत्रता दिवस प्रार्थना एवं चिंतन का दिवस है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये अतिशयोक्ति नहीं है, इसका मैं आपको रीजनिंग दूंगा। देखिए 21 अक्टूबर को हमारे वीरों ने देश के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, यहाँ तक कि जीवन भी उत्सर्ग कर दिया, और आगे भी देश पर मर मिटने के लिए सभी धर्मों जातियों के लोग तत्पर थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक थे। स्वतंत्र राष्ट्र का जश्न हर जगह मनाया जा रहा था, दिल्ली चलो का नारा था, इसलिए यह हर्षोल्लास का दिवस है। अब 15 अगस्त को देखिए क्या हुआ, देश का विभाजन हुआ, अखंड भारत भारत और पाकिस्तान में बट गया, कश्मीर हैदराबाद जूनागढ़ इत्यादि रियासतों ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। वो तो सरदार पटेल ना होते तो पता नहीं क्या होता। आपस में भारतीय अपने भाई बहनों का रक्त बहाने के लिए उतारू थे, माँ बहनों की अस्मिता लूटी जा रही थी, लाखों लोग बेघर होकर इधर उधर भाग रहे थे, हर जगह हाहाकार मचा था। एक अनुमान के साथ 15 लाख लोगों की जानें गईं उस आज़ादी के चक्कर में, और बेचारे बेगुनाह जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, उस माँ बहनों की अस्मिता लूटी गई, लोगों की जान गई, 15 लाख लोग। हम उसको आप बताइए क्या हर्षोल्लास के साथ मना देते? एक घर के अंदर देखिए, एक घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाए हर साल वो दुख के रूप में मनाया जाता है, या श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है, या प्रार्थना के रूप में मनाया जाता है, हम उसको हर्षोल्लास के दिवस में कैसे मना सकते हैं? भाई हम मनाते हैं 15 अगस्त 1947, हम मनाते हैं 15 अगस्त को, लेकिन कैसे मनाते हैं? ये वास्तव में एक दुख का दिन था। तो भारतीय परिवार इस दिन को प्रतिवर्ष उन लोगों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने के रूप में मनाता है जो इस त्रासदी में इस काल का ग्रास बने, और सुभारती परिवार इसी दिन अखंड भारत के सपने को साकार करने का संकल्प भी लेता है। अतः हम लोग इसको प्रार्थना और संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम एक
बहुत अधिक समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात और बताऊंगा। एक हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि 21 अक्टूबर को और 15 अगस्त को, हम जरा देखें फैक्ट्स क्या क्या थे, ये जरूर देखना। हमारा स्टेटस क्या था? 15 अगस्त को हम एक डोमिनियन राज थे, हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, जबकि 21 अक्टूबर को हम पूर्णतः स्वतंत्र थे। चाहे जितनी भी जगह थी हमारे पास, लेकिन हम थे स्वतंत्र। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 अगस्त को इंग्लैंड की महारानी थी और 21 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। सेनाध्यक्ष, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो थे वो 15 अगस्त को अंग्रेज थे और 21 अक्टूबर को भारतीय थे। ध्वज जो एक राष्ट्र के लिए जरूरी होता है, स्वतंत्र राष्ट्र के लिए, दोनों समय पर था। राष्ट्रगान, हमारा कोई राष्ट्रगान, 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रगान नहीं था। राष्ट्रगान केवल जो ये आजाद हिंद गान की केवल धुन बजाई गई, जबकि 21 अक्टूबर को बाकायदा हमारा राष्ट्रगान था। एक हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हमारा राष्ट्रगान ही नहीं था 15 अगस्त 1947 को। बैंक और करेंसी दोनों समय उपलब्ध थी। सर्वोच्च न्यायालय हमारा क्या था? हमारा अपना नहीं था, प्रीवी काउंसिल हमारा सर्वोच्च न्यायालय था। जबकि 21 अक्टूबर को हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट था। संविधान नहीं था, आप तो ये देखिए, हम आज़ाद थे, हमारा संविधान नहीं था। हमारा गवर्नर जनरल एक अंग्रेज था। चलो पाकिस्तान ने तो फिर भी अपना गवर्नर जनरल जो था वो अपना ही एक आदमी बनाया, हम तो तब भी अंग्रेजों के मोहताज थे। हमारे राष्ट्र में समान नागरिक संहिता, जो भी किसी देश की जान होती है, वो नहीं थी जब 21 अक्टूबर को नेताजी ने लागू करी थी। और दुख तो इस बात का है कि आज तक भी नहीं है। एक देश को जोड़ने वाला नारा अगर किसी ने दिया तो हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से आबिद हसन साहब ने दिया। ये जय हिंद का नारा हमको INA का दिया हुआ है, जो आज पूरे देश को जोड़ता है। तो इस सबको आप विश्लेषण करने के बाद देखेंगे तो आप सही रूप में इस बात को समझेंगे कि हमें 21 अक्टूबर को हर साल हमें अपना अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए और हर जगह मनाना चाहिए। हम 15 अगस्त को भी मनाएं, हम उसको मना नहीं करते, उसको जिस रूप में आप मनाना चाहें मनाइए, लेकिन उस दिन दो बातें ज़रूर करिए जो हम करते हैं। एक तो उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, उन 15 लाख लोगों से अधिक की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करिए जिन्होंने उस समय अपनी जान गंवाई, उन लोगों के लिए आप संवेदना प्रकट करिए जिन्होंने विभिन्न प्रकार के कष्ट झेले, और एक संकल्प लीजिए कि हमें अपने पुराने खोए हुए अतीत को वापस लाना है और हमें पुनः अखंड भारत बनाना है। एक अंत में, मैंने समय तो आपका बहुत लिया, लेकिन एक अंत में मैं बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, और वो ये देश बहुत ही अपने वीरों के प्रति भाव न रखने वाला देश है। कितनी पीड़ा होती है जब हम आज तक भी ये नहीं जानते कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हुआ क्या। सरकारें आईं, सरकारें चली गईं। पहले हमको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, अब नहीं आने वाले। जिसको भी डर हो अपने दिल से डर निकाल दे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं आने वाले हैं। कांग्रेस वालों को तो इस बात का बहुत बड़ा डर था कि अगर कहीं से आ गए तो उनके हाथ से सत्ता गई, पर अब कोई भी डर इस बात को अपने दिल में ना रखे कि वो आने वाले नहीं है। लेकिन कम से कम इस देश की जनता को पता तो होना चाहिए कि उनका सर्वोच्च क्रांतिकारी का हुआ क्या। दो शब्द इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अनेकों कमीशन बने, सबसे पहले 1956 में शाहनवाज खान कमीशन बना, उसने ये घोषित किया कि 18 अगस्त को हवाई जहाज के क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जस्टिस खोसला कमीशन बना 1970 में, उसने भी ये घोषणा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ एयर क्रैश में हो गई।
उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो जस्टिस मुखर्जी कमीशन बना। मैं मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी बातें हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ एक बात से है, इस विवाद की समाप्ति जो मुखर्जी कमीशन ने कहा था कि जो रेंकोजी टेंपल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी हैं, आज तो डीएनए टेस्ट की सुविधा है, उसके डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करा लेते हैं? वो उनका प्रस्ताव हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने खारिज कर दिया। तो भाई अब तो मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, अब जो वर्तमान सरकार है, मैं उससे निवेदन कर रहा हूं भाई इस चैप्टर को क्लोज कर दो ना। सिंपल सी बात है, उनके वहां का जो चीफ प्रीस्ट है वो तैयार है, वो कहता है कि जी मुझे कोई एतराज नहीं है, बस इतना जरूर है कि हमने इतने साल तक उनकी अस्थियों को संभाल कर रखा है, ये साबित हो जाए कि उन्हीं की अस्थियां हैं और आप इनको हिंदुस्तान वापस ले जाएं, तो उसमें जहां भी आप इनका स्मारक बनाएं वहां उसमें ये जरूर लिख देना कि हमारे ये इन प्रीस्ट लोगों ने जापान में इन अस्थियों को सुरक्षित रखा था। इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं लिखेंगे? एक सिंपल सी बात है, इस देश को जानकारी चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ। हम बिल्कुल इस बात से हम इस बात को आर्ग्यू नहीं करते कि 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई, अगर हुई तो पता चलना चाहिए, नहीं हुई तो पता चलना चाहिए, इस देश को अधिकार है। मैं आज इस मौके पर, इस अवसर पर भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं कि कृपया ये फाइल दिखाने से नहीं काम चलेगा। उधर ममता बनर्जी ने भी दिखा ली कि सीक्रेट फाइल दिखा दी, हमारी केंद्र सरकार ने भी उनकी सीक्रेट फाइल दिखा दी। एक सीक्रेट फाइल में क्या मिलेगा? क्या अब से पहले की सरकारों में सब मूर्ख लोग थे कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो छोड़ गए उसमें, कि कल को दूसरी सरकार आए तो खोल के उनका भजीदा कर दे? अरे उन फाइलों में कुछ नहीं मिलने वाला, जो काम करना चाहिए वो कर लीजिए ना, और इस देश को बता दीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ। और सम्मान के साथ, अगर उनकी 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज के क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी अस्थियों को यहाँ पर लाया जाना चाहिए और उनका एक विशाल स्मारक, सरदार पटेल साहब की इतनी बड़ी मूर्ति बनी है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम देश ने किसी एक वीर को सम्मान तो दिया। पर उसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी यहाँ सम्मान होना चाहिए। ये मेरी भारत सरकार से इल्तिजा है, निवेदन है, और मैं समझता हूँ कि इस माध्यम से जो लोग भी इस बात को सुन रहे होंगे वो अपने अपने प्रयास करेंगे और भारत सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो ऐसा करे। धन्यवाद। जय हिंद।